जो मेवाड़ और जो राजस्थान के होंगे वो इनके बारे में जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो ये भी देशभक्ति का एक उदाहरण है। तो जब इनकी शादी होती है और शादी को होते हैं कुछ दिन, और इनके जो पति होते हैं रतन सिंह जी, उनको युद्ध में जाने के लिए बुलावा आ जाता है, ठीक है। तो रतन सिंह जी सोचते हैं कि मैं युद्ध में चला जाऊंगा, और मैं युद्ध में जाकर क्या हुआ, मर गया, तो मेरे बाद में रानी जी का क्या होगा। तो हाड़ी रानी की चिंता करते हुए इनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हाड़ी रानी, मैं युद्ध में जा रहा हूं तो आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाड़ी रानी क्या कहती है, रतन सिंह जी आप जाइए, क्योंकि हमारे लिए पहले है मेवाड़, अगर कुछ भी होता है तो मैं वैसे भी जोर कर लूंगी, ठीक है। तो जब रानी जी जब राजा जी जा रहे थे तो उनको लगता है यार इतने दिन दूर रहूंगा और शादी अभी अभी हुई है, तो रानी जी की कोई निशानी मांग लेता हूं, ताकि युद्ध में अगर मुझे उनकी याद आए तो मैं क्या करूंगा, निशानी देख लूंगा। लेकिन जब अपने सैनिक को भेज देते हैं कि जाओ निशानी लेकर आओ, और दासियां पहुंच जाती है कि राजा जी ने ऐसा बोला है तो आप निशानी दीजिए, तो हाड़ी रानी समझ जाती है कि मेरे पति मेरे मुंह में आ गए हैं, ऐसा करेंगे तो युद्ध हार जाएंगे, और युद्ध हार गए तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होगी वो क्या कहेगी, एक रानी की वजह से एक राजा अपना धर्म भूल गया। तो अपने पति को अपना धर्म याद दिलाने के लिए, अपने धर्म के लिए प्रेरित करने के लिए हाड़ी रानी ने क्या किया, अपना मुंड काट कर उनको दे दिया, और इनके पति ने इनका मुंड पहना और औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करते हुए अपना बलिदान दे दिया। इसीलिए हमें आजादी आसानी से नहीं मिली, ठीक है।